जब हम घर से बाहर बाजार को जाते हैं, बच्चों की पहली फरमाइश मोमोज हो, बच्चों के जिद करने पर हम मोमोज खिला भी देते, लेकिन मेरे बच्चों को यह प्रॉब्लम होती है कि मोमोज खाने के 2 घंटे या 4 घंटे बाद उन्हें इनडाइजेशन की प्रॉब्लम या पेट में दर्द होने लगता है। मैंने गौर किया कि ये प्रॉब्लम हो क्यों रही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो मोमोज बनाते हैं बाजार में वो चिकन को अच्छे से बॉईल नहीं करते। मे बी ये एक रीजन हो उनके मोमोज खाने के बाद इनडाइजेशन होने का। तो चलिए आज घर पर ही मोमोज बनाएं जो इजीली डाइजेस्टेबल हो। मम्मी इतना टेस्टी बनाती हूं तो मोमोज का दुकान खोलूं। थैंक यू। मोमोज बनाने के लिए सबसे पहले आप अपने हिसाब से चिकन को कट कर लें, चॉप बिल्कुल बारीक करें। अब हमने यहाँ इसे इस तरह से चॉप कर लिया है। चॉप चिकन को अब हम अच्छे से बॉईल करेंगे एटलीस्ट 10 मिनट। अब आप देख सकते हैं कि ये अच्छे से बॉईल हो चुका है। इसे छलनी पे छान लें इस तरह से। अब आप देख सकते हैं कि हाथ से ही इसका चूरमा बन सकता है, हाथ से ही आप क्रश करें, मतलब कि ये आराम से डाइजेस्ट होगा बच्चों को। अब हम इसमें डालेंगे प्याज, कटी हुई हरी मिर्च, अदरक का पेस्ट, धनिया पत्ता, पुदीना पत्ता, नमक स्वादानुसार, और ये रिफाइंड, आप चाहें तो रिफाइंड डालें, कैस्टर ऑयल डालें या घी डालें। ये डालने से मोमोज का जो टेस्ट है वो थोड़ा जूसी हो जाता है। अब हम डालेंगे इसमें काली मिर्च। अब हम मोमोज बनाने के लिए डो तैयार करेंगे। इसमें हम डालेंगे रिफाइंड और नमक। अब हम इसे गुनेंगे, गर्म पानी में ही इसे गुन लें इस तरह से। अब हम मोमोज के लिए जो डो तैयार कर रहे हैं उसे 2 घंटे तक ढक के छोड़ दें। अब हम मोमोज की चटनी तैयार करेंगे। इसके लिए हम एक बर्तन लेंगे, उसमें 4 टमाटर डालेंगे, कुछ खड़ी लाल मिर्च डालेंगे और जरा सा चीनी डाल देंगे, जिससे कि टमाटर का जो कलर है वो बरकरार रहे। अब आप देख सकते हैं कि ये उबल चुका है। इसे बंद कर लें और छलनी पर इस तरह से छान लें। टमाटर का छिलका इस तरह से निकाल लें। अब हम सबको मिक्सर में पीस लेंगे। जरा सा पानी डाल लें, पानी आप अपने हिसाब से डाल लें। अब हम एक कढ़ाई लेंगे, उसमें डालेंगे तेल, जीरा, अदरक और लहसुन का पेस्ट। सबको एक साथ चला लें। अब हम अपना टमाटर का ये पेस्ट इसमें डाल के चलाएंगे। अब हम डालेंगे इसमें नमक, चीनी स्वादानुसार, सोया सॉस, टोमेटो सॉस। अब हम मोमोज के लिए शीट्स तैयार करेंगे। इसे इस तरह से बेल लें। ध्यान रहे कि शीट्स बिल्कुल पतली होनी चाहिए। शीट्स जितनी पतली होगी आपका मोमो उतना टेस्टी होगा। अब एक एक शीट्स लेके इस तरह से भर लें। और इसे इस तरह से चिपका लें। अब आप इसे जो भी शेप देना चाहें दे सकते हैं। ये अब अच्छे से चिपक चुका है। इस तरह से मोमोज तैयार हो चुका है। इसके ऊपर आप रिफाइंड या ऑलिव ऑयल लगा लें। अब मैंने एक मटका लिया है, इसमें इस तरह से पानी भर लें और इसके ऊपर मैंने छलनी डाल दिया है। छलनी में आप रिफाइंड या ऑलिव ऑयल लगा लें इस तरह से कि मोमोज चिपके ना, और इस तरह से मोमोज को डाल लें। दोस्तों ये सुपर टेस्टी रेसिपी आप जरूर ट्राई करें और इससे आपको इनडाइजेशन नहीं होगा और बच्चे भी बहुत पसंद करेंगे।
और इसे ढक दें 15 से 20 मिनट के लिए। आप देख सकते हैं कि ये हो चुका है। अब इसे एक प्लेट में निकाल के सर्व कर लें। लजीज।